चना दाल की बहुत सी रेसिपीज आपने बनाई खाई होंगी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ चना दाल पुलाव। ये आप लंच और डिनर में खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने चने की दाल ले ली है एक कटोरी। ये भीगी हुई चने की दाल है, अच्छे से फूल चुकी है। अब हम कुछ मसाले ले लेंगे। तो ये एक चम्मच धनिया पाउडर है, 8 से 10 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्चें, 1 लौंग, 10-15 दाने काले मिर्च के, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है, 1 छोटी प्याज कटी हुई ले ली है और 1 बड़ी इलायची ले ली है, 1 चम्मच जीरा लिया है। अब इन सभी चीजों को मिलाकर हम पीस लेंगे। तो चलिए अब हम गैस पे रख देते हैं कुकर। इसमें डाल लेंगे 1 बड़ा चम्मच घी। इसमें हम तड़का लगाएंगे 2 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी मिर्ची, 1 छोटी इलायची ले लेंगे, 1 चम्मच भरकर इसमें जीरा डाल लेंगे। तड़के को कुछ देर के लिए भुन जाने दें। इसके बाद हम इसमें जो पिसे हुए मसाले हैं उन्हें ऐड कर देंगे। लीजिए मैंने मसाले ऐड कर दिए हैं। बहुत थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हम। इसे बहुत ज़्यादा येलो नहीं करेंगे वरना ये तहरी लगने लगेगी। तो हमें तहरी या खिचड़ी नहीं बनानी है, हमें पुलाव बनाना है, इसलिए बहुत हल्का सा इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब मैं इसमें कटे हुए बादाम ऐड कर रही हूँ। काजू मेरे पास नहीं थे इसलिए मैंने बादाम ऐड कर दिया। अब मैंने चावल धुलकर रखे हुए थे, इन्हें मैं मिक्स कर दूंगी इसमें। इन चावलों को हम कुछ देर के लिए भुनेंगे। चावल को मसालों के साथ 2 मिनट के लिए भुने जरूर। इससे जो मसालों का अरोमा है वो चावलों में अच्छी तरह से भिन जाता है और भुनने से चावल भी हमारे खिले खिले बनेंगे। अब इसमें हम 1 कटोरी चना की दाल ऐड कर देंगे। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। कुछ सेकंड के लिए भूनने के बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी चावल से थोड़ा सा ऊपर रखें। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। अब हम इसे ढक्कन लगाकर 1 सीटी आने तक पका लेंगे। ठीक है, देखिए हमारा चना दाल पुलाव रेडी हो गया है। अब हम इसमें हम कटी हुई हरी धनिया मिला देंगे। इस पुलाव में चने की दाल की जो बाइट और क्रंच है वो बहुत ही मजेदार लगती है। जी हमारा चना दाल पुलाव रेडी हो गया है। आप इसे सब्जी के साथ सर्व करें या फिर सैलेड या अचार के साथ सर्व करें। बहुत ही आसानी से बन जाती है और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। लंच या डिनर के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो आप भी ज़रूर बनाएं चने दाल की ये रेसिपी। रेसिपी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।